हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया यूनिट द अप्स एंड डाउन्स। और उसके अंदर हम टॉपिक जो पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे रिलेटिव एक्सट्रीमा और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा का। क्या है ये टॉपिक और इसका यूज़ क्या है। सबसे पहली बात कि आगे आप मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कर्व ट्रेसिंग दी जाती है, ठीक है, कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इसका आप कर्व बना के दिखाइए, मतलब इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है। अब अगर कुछ आसान से फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या 2x³ या 2x³-1 या 2x-1 का क्यूब, इस तरह के अगर आपको फंक्शन दिए जाएंगे तो फिर भी आप उसको देख के बना सकते हो, ठीक है। बट अगर कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रॉब्लम्स दे दिए आपको, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिए जिसका ग्राफ आपने आज तक नहीं देखा है, तो फिर उनका ग्राफ आप कैसे बनाओगे। तो उसके लिए आपको पता है, जैसे ये एक सामने आपके ग्राफ है, अब इस ग्राफ में देख सकते हो कि बहुत सारे पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कहीं पर ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखोगे कि इंक्रीज़ होते हो तो फिर इसका रेट कम हुआ, ये फिर इंक्रीज़ होने लगा, फिर यहाँ पर पीक आया, फिर इसकी वैल्यू कम होने लगी, ठीक है। अब ये सारी जो वैल्यू, तब ये सारे जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फंक्शन हमें गिवन होता है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, जो भी यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसी से आपको सारे के सारे इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। जस्ट आपको क्या है, खोजना है, ठीक है। और उसकी खोज कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्सट्रीमम से, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कर्व में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर क्या हो, एक पीक आ रहा हो या वैली आ रही हो, ठीक है। ये देखो अगेन, ये पीक है, यहाँ पर वैली है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हम वहाँ से करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ और इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा करते हैं स्टडी, और यहाँ से आपको कुछ कुछ बातें पता चलेंगी, ठीक है। किताब में तो लिखा ही हुआ है सब कुछ, बट उन सबको एक साथ समराइज करने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, इस पॉइंट पर इसको हमने नाम दे दिया X1, इसको हमने नाम दे दिया X2, ये है X3, ये है X4 और ये है X5, ठीक है। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ X1, यहाँ पर इस पॉइंट पर वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ X2, फिर ये हो जाएगा एफ ऑफ X3, ये है एफ ऑफ X4, यहाँ पर ऐसे मान लो कि इस तरह का है स्मूथ कर्व, ठीक है। और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ X5, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर इस X1 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल रहा है कर्व, यहाँ पर हम अगर हम एक टेंजेंट लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो उसका स्लोप आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, कुछ इस तरह का, मतलब ये इस तरह का स्मूथ कर्व है, यहाँ पर मैंने टेंजेंट बनाया, तो आपको पता है कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट X1 है और ये FX1 है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा पॉइंट X1 है, यहाँ की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। यहाँ पर एफ ऑफ X1 जो है, अगर यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक जो हमने जो टेंजेंट लाइन बनाई उसका जो स्लोप आया वो आया जीरो, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये X2 है, X2 में भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ पर भी वैल्यू जीरो आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हम टेंजेंट लाइन बनाएंगे उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। X3 पर जो टेंजेंट लाइन बनाएंगे, मतलब कर इस ग्राफ पर, ठीक है, वहाँ पर भी उसका भी स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। X4 पर भी, X5 पर भी सेम कंडीशंस आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सारे के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक खास बात पता चली है, मैं यहाँ पर इन जनरल लिख दे रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो है। तो इससे आपको एक खास बात पता चल रही है कि इन पॉइंट्स पर अगर मैं इनके आसपास एक इंटरवल बना दूँ, ठीक है, इसको इंटरवल आई वन कहेंगे, इसको इंटरवल आई टू कहते हैं, इसको कहते हैं हम आई थ्री, आई फोर और आई फाइव। ठीक है, ये इंटरवल्स हमने बना दिए, तो आप देखोगे कि इस इंटरवल में जो एक्स वन पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है कंपेरेबल टू अगर हम कोई और नंबर लेते हैं इसी इंटरवल में। तो जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया, तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर जो ये एफ एक्स है इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स वन से कम है। तो इस पूरे इंटरवल में एक्स वन को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो तो उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा एफ ऑफ एक्स वन से कम ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हैंग हो गया क्या, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एफ ऑफ एक्स वन जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इस ग्रेटेस्ट वैल्यू है फंक्शन की इस पूरे इंटरवल में, जहाँ पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आई वन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली इक्वल भी होगा जब एक्स की वैल्यू एक्स वन के इक्वल हो जाएगी। उसी तरह से बात करें अगर हम एक्स टू की, ठीक है, पॉइंट एक्स टू की अगर हम बात करते हैं, तो देख सकते हो कि इस इंटरवल में पॉइंट एक्स टू पर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स टू, ये सबसे छोटी वैल्यू है इस इंटरवल में। ठीक है, यानी अगर आप कोई और पॉइंट लेते हो इस इंटरवल में तो सारी की सारी वैल्यूज जो है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स टू से बड़ी ही होगी। मतलब कि एफ ऑफ एक्स टू इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान देना मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैंने एक पर्टिकुलर इंटरवल लिया है जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आई टू। क्लियर है। अब यहाँ से आपको एक खास बात पता चलेगी, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने, अच्छा, जो इस तरह के जो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ये जो वैल्यू आई है एफ ऑफ एक्स वन, इसको हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की इस इंटरवल में, या इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा भी कहते हैं। जब कई सारी मैक्सिमम वैल्यूज इकट्ठी हो जाए तो उसको कहते हैं मैक्सिमा, कई सारी मिनिमम वैल्यूज हो जाए उसको कहते हैं मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है। जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में सबसे बड़ी है, एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव के लिए भी इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है, यहाँ भी स्मॉलेस्ट है, यहाँ पर इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, सॉरी क्रिटिकल नंबर। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आता है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ग्राफ के ऊपर अगर जो पॉइंट मिलता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और जो यहाँ पर x1 है ये है आपका क्रिटिकल नंबर। ओके, समझ में आ गया कि x1 आपका क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल नंबर, और जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर होगा x1 f ऑफ x1, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो ये है मैक्सिमा और मिनिमा। आप ये सोच रहे होगे कि आपने, ठीक है, ये बोला कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट f ऑफ x3, ठीक है, ये भी तो मैक्सिमम है। बट ध्यान रखिएगा यही फर्क है रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा में। ठीक है, क्या है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में, जो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास को इंटरवल लेते हैं, वहां पर जो वैल्यू ग्रेटेस्ट आती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा, ना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है, ये रिलेटिव मतलब रिलेटिव मैक्सिमा तो है ही है ये, बट यहाँ पर देखो कि इसके अलावा इस पूरे के पूरे फंक्शन के डोमेन में जहाँ पर भी ये डिफाइंड है, इससे बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं है। तो ऐसे जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, और इस तरह के जो कई सारे आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो होता है रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही होगा, बट रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा कई सारे हो सकते हैं।
और मैक्सिमा और मिनिमा को एक साथ में ही हम कहते हैं एक्सट्रीमा। क्या कहते हैं? एक्सट्रीमा। तो अगर आपसे पूछे कि एक्सट्रीम वैल्यूज बताइए, तो आपको वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा बताना होगा। ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको एक फंक्शन गिवन हो, तो अगर एब्सोल्यूट वहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी तो एक ही होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम होगी तो भी एक ही होगी, बट रिलेटिव एक्सट्रीमम वैल्यूज कई सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अब आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया है। क्या है ये फंक्शन? एफ इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स नॉट इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन एन ओपन इंटरवल। उस इंटरवल में, अगर उस इंटरवल की बात करें, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी एट एक्स नॉट पर फंक्शन की। यही मैंने आपको बताया था। फिर सिमिलरली मिनिमम कब कहेंगे? जब उस पॉइंट पर क्या हो, एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट। एक्स नॉट को कंटेन करना चाहिए। तो जो मैंने यहाँ पर इंटरवल बनाया था, क्या हो रहा है ये देखो, मैंने यहाँ पर जो इंटरवल बनाया था वो एक्स वन को कंटेन कर रहा था। ठीक है, यही सब डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एक्सट्रीमम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी अब आपको कि भाई रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम है क्या। यहाँ से आपको एक बात और पता चलेगी कि अब देखो, आपको हमेशा फंक्शन का ग्राफ तो गिवन होगा नहीं, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है, उन्हीं पॉइंट्स पर आपको रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज मिल रही हैं। तो अगर कन्वर्जली आपसे एक फंक्शन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर रिलेटिव एक्सट्रीमम या मतलब रिलेटिव एक्सट्रीमम जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे कि हमें क्या करना है, इस फंक्शन को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स पर जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो जीरो है, क्योंकि वहीं पर इस तरह का आपको जो है कर्व का नेचर मिलेगा, जहाँ पर कि टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो आपको हमेशा दिया जाएगा फंक्शन, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, वहां से वो पॉइंट्स निकालोगे जहां पर डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दोगे, फिर आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट की, जो मैंने आपको क्रिटिकल नंबर एंड क्रिटिकल पॉइंट की जो मैंने आपको बताया था कि सपोज करिए कि एक फंक्शन जो है एक्स नॉट पर डिफाइंड है। ठीक है, ध्यान रखना एक्स नॉट पर इसका डिफाइंड होना मस्ट है। ठीक है, एक्स नॉट पर डिफाइंड होना ही चाहिए। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए या एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, या तो जीरो हो जाए या एग्जिस्ट ही ना करे, देन वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल नंबर। यहाँ पर तो आपने वो केस देखा जिसमें, जो मैं अभी हमने ग्राफ वाला केस देखा, उसमें आपने वो वाले केस देखे जहाँ पर डेरिवेटिव क्या था? जीरो था। ठीक है, देखो डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर जीरो है। बट ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आएंगे अभी आगे आप देखोगे, जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वैसे पॉइंट्स भी क्या कहलाएंगे? वैसे पॉइंट्स भी क्रिटिकल नंबर कहलाएंगे। और उनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जैसे एक्स नॉट आपका कोई क्रिटिकल नंबर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उस ग्राफ के ऊपर फंक्शन एफ के, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चलिए बहुत बातें हो गई, अब हम आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। बोला गया फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। कैसे करोगे? आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, यह आ जाएगा 15x² माइनस में 48x माइनस में 21x, और इसको अगर हम जीरो के इक्वल पुट कर दें और यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लें, ठीक है, तो आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल पुट किया, यहाँ से आप देख सकते हो कि थ्री कॉमन आ रहा है, थ्री कॉमन आ रहा है ना, थ्री कॉमन आ रहा है यहाँ से। ये हो जाएगा 5x² माइनस में 16x माइनस में 21 इज इक्वल टू जीरो।
अब देखो यहाँ पर कोशिश करेंगे हम फैक्टर करने की, क्योंकि जो यहाँ पर आपके जो कोफिशियंट्स हैं वो वैसे फेवरेबल नहीं लग रहे हैं, जिससे हम मतलब माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac हम इसकी वैल्यू निकालें। यहाँ पर हम फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर 21 है, तो कुछ ऐसा फैक्टर बनाने की कोशिश करो, कुछ ऐसा फैक्टर बनाने की कोशिश करो जिससे कि 5 कॉमन आ जाए और एक जगह से 21 में से 7 कॉमन आ जाए, 21 ही कॉमन आ जाए। तो देखो कोशिश करते हैं, 5x2, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया -21x प्लस में 5x माइनस में 21 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो 21 और 5 के लिए कंडीशन फेवरेबल हो गई है। यहाँ से हमने क्या किया, 5x2 प्लस में 5x लिखा, यहाँ पर लिखा -21x माइनस में 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से 5x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा x, फाइव एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, x प्लस में 1, और यहाँ से -21 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब इस पूरे में से देख देख सकते हो कि x प्लस 1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप 3 इंटू में 5x माइनस 21, यहाँ से क्या ले लिया हमने, कॉमन x प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ से देखो बहुत ही आसान हो गया, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास x इज इक्वल टू -1, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास x इज इक्वल टू 21/5, ठीक है। तो एक बार क्लियर कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक ना हुई हो, -21, ठीक है, यहाँ से हमने 5x कॉमन लिया तो ये x प्लस 1 बचा, और यहाँ से हमने -21 कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस 1 बचा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स ऐसे आ गए जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो यानी -1 और 21/5 क्या है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो मैंने आपको एक दूसरा केस बताया था, दूसरा केस कौन सा, जिसमें कि फंक्शन मतलब जिस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो डिफाइंड ही ना हो, ठीक है, वैसे पॉइंट्स भी क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो चलो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फाइंड करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा x माइनस में 5 स्क्वायर, ठीक है, x माइनस में 5 2 इंटू में e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2x, यही आएगा। अब यहाँ से e की पावर 2x हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x -11 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम वो केस देखते हैं जहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। कौन सा केस है, यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, व्हेन इट इम्प्लाइज कि x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 11/2। कुछ दिक्कत है क्या सॉफ्टवेयर में, तो क्या आ रहा है, 11/2। एक तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, और हमें क्लियरली पता है कि एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 5 पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हम कहेंगे कि क्या है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ये डिफाइंड नहीं है। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक x इज इक्वल टू 11/2 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 5, ये हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द क्रिटिकल नंबर एंड द क्रिटिकल पॉइंट्स
For the function f defined by this, also show these point on the graph of f. Graph तो बनाना possible नहीं है अभी, but जो main problem है वो हम solve कर लेते हैं. अच्छा, graph की जब बात करी जाए तो ना, graph आपको मैंने एक बार और भी बताया था कि GeoGebra नाम से या Desmos नाम से एक software आता है, ठीक है? आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, फाइंड क्रिटिकल नंबर. अब सबसे पहला काम क्रिटिकल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, जीरो हो या तो डिफाइंड ही ना हो, ठीक है? तो इसको लिखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स प्लस वन. अब ये किसके इक्वल आएगा, इसको हमें करना है डिफरेंशिएट. ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के एफ डैश एक्स. तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाया तो टू एक्स माइनस टू फिर एक्स प्लस वन प्लस में एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है? तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव. इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बचेगा टू एक्स प्लस वन प्लस में वन सॉरी प्लस में एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से एक्स माइनस टू टू एक्स प्लस टू प्लस में एक्स माइनस में टू, तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास कि x इज इक्वल टू एक तो टू के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो के इक्वल. तो ये दो इसके क्या है, क्रिटिकल नंबर है, ठीक है? अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करना है आपको, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे. एक तो होगा ज़ीरो एफ ज़ीरो, ठीक है, और टू एफ टू. ये क्या है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट मिलेगा आपको, क्रिटिकल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वही होगा क्रिटिकल पॉइंट. तो पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ रहा है देखेंगे. एफ ऑफ ज़ीरो आ रहा है फोर के इक्वल, ठीक है, और एफ ऑफ टू आएगा आई थिंक ज़ीरो के इक्वल, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे हो जाएगा ज़ीरो एंड फोर एंड टू एंड ज़ीरो, ठीक है? तो ये दोनों हमारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ओके? ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. तो आई थिंक आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी, क्रिटिकल नंबर और क्रिटिकल पॉइंट्स हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं कुछ थ्योरम्स के ऊपर. ये वही बातें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. क्या कि क्रिटिकल नंबर थ्योरम ये कहती है कि इफ़ अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमम एट अ पॉइंट एक्स नॉट इन इट्स डोमेन देन एक्स नॉट मस्ट बी अ क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ. क्या कह रहा है, फंक्शन के डोमेन में, ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर रिलेटिव एक्सट्रीमम है तो वो पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल नंबर होगा, ठीक है? जैसे स्टार्टिंग वाला जो हमने देखा, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और कंटिन्यूस फंक्शन में इस पॉइंट पर रिलेटिव एक्सट्रीमम है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है. उसका मतलब कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, क्रिटिकल नंबर हैं. इन अदर वर्ड्स, अगर इन पॉइंट पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखें तो इनका डेरिवेटिव क्या आएगा फंक्शन का, ज़ीरो आएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका क्रिटिकल नंबर थ्योरम. देन आ जाते हैं हम कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स के ऊपर. We find the relative maxima or minima if any, अगर relative maxima minima हमें बताना है, if any, for the function f defined by this on the interval this. इस interval पर हमें find करना है. देखो, बड़े ध्यान से देखना. मैंने आपको already ये बताया था कि mod of x जो है उसका जो graph होता है वो किस तरह का होता है. ये तो हो गया ज़ीरो. अच्छा,
ये देखो, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से, ठीक है। आगे देख लेना, अब यहाँ पर एक्स माइनस वन आ गया तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये बन गया इसका ग्राफ। अब ध्यान से देखो, अब ये कंटिन्यूअसली इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर ये पॉइंट आपका वन है, ठीक है, तो बात हो रही है टू की और यहाँ पर माइनस टू की। अब देखो, माइनस टू से लेके वन तक जो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होगा। तो माइनस टू से लेके वन तक तो कोई भी वो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर। फिर वन से लेके टू तक देखो, यहाँ पर भी जो है इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कहीं भी जीरो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं वन की, वन पर आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि वन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल नंबर हो जाएगा। और क्रिटिकल नंबर हो गया, ठीक है, और यहाँ से आप फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एफ ऑफ वन निकालेंगे जो कि जीरो है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी या रिलेटिव मिनिमम, आप या इसको एब्सोल्यूट मिनिमम भी कह सकते हो, ठीक है। हो गया, नहीं हुआ, ऐसे करके आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। ये वाली बात जैसे माइनस वन और वन से लेके ये सब कुछ हम क्लियरली लिखेंगे, हम लिखेंगे कि फर्स्ट कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो इन इंटरवल ग्रेटर देन जीरो इफ, ऐसे लिख लो, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन एंड टू, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रेटर देन जीरो है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा केस कि एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स नहीं लिखना है अभी, ये कुछ तो दिक्कत आ रही है। देखो ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, आपने देखा उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पर लेस देन जीरो होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से वन तक, ठीक है। इस इंटरवल में अगर वो बिलोंग कर रहा है तो वहां पर नेगेटिव होगा, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, डेट इज देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट इन माइनस टू वन यूनियन वन टू, ठीक है। यहां पर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट जो है इसका नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। अब एक ही पॉइंट बचता है, नाउ नाउ लेट अस फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट वन, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव एट वन क्या होगा, लिखेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वही एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स यहाँ पर क्या है, वन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, पहले तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ ऑफ वन, ठीक है। यहाँ पर वन इसलिए रखें क्योंकि हम इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और यहाँ पर डेल्टा एक्स किसके इक्वल आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन के, तो जब यहाँ पर एक्स के जगह पर वन प्लस मॉड ऑफ एक्स रखोगे, सॉरी डेल्टा एक्स रखोगे, तो ये क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा एक्स मॉड ऑफ डेल्टा एक्स, ये बचेगा मॉड ऑफ डेल्टा एक्स माइनस में एफ ऑफ वन पुट करोगे, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये आ गया आपके पास, और आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से पता है, जो और मैंने आपको ऑलरेडी ये करा भी दिया है कि यहाँ पर जो अगर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू, यहाँ पर वन आएगा ना, सॉरी अगर नेगेटिव साइड से जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, डेरिवेटिव जो इसका डेरिवेटिव आएगा मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स का, ये आएगा माइनस वन, ठीक है। और अगर आप लिमिट लगाते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा वन। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों
लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट पॉइंट वन, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हम क्या कहेंगे कि एफ डैश वन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस x इज इक्वल टू वन इज आवर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल नंबर, एंड f ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। चलिए, रिलेटिव एक्सट्रीमम से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स देखे, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और आप भी एक बार वीडियो को पॉज करके या नोट्स में डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या कहा है कि इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई दैट कंटेन्स एक्स नॉट, सपोज करो कि एक फंक्शन जो है डिफाइंड है, यानी इंटरवल आई उसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है, इस पर वो डिफाइंड है जो कि एक नंबर एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है, देन एफ एक्स नॉट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यहाँ पर जो एफ एक्स नॉट है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है अगर उस इंटरवल आई में जो फंक्शन की जो वैल्यू आई है ना एक्स नॉट पर वो सबसे बड़ी हो उस पूरे के पूरे इंटरवल में अगर हम चेक करें तो, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आई। ध्यान देना, रिलेटिव में क्या था कि हम उस पॉइंट के आसपास एक इंटरवल चूज कर रहे थे, बट इसमें क्या है कि हम पूरे के पूरे फंक्शन के डोमेन की ही बात कर रहे हैं, उस पूरे फंक्शन के डोमेन में उस पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा नहीं आएगी एफ ऑफ एक्स नॉट से, हमेशा कम ही रहेगी और एफ ऑफ एक्स नॉट पर उसके इक्वल होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सिमिलरली अगर एफ एक्स नॉट जो है लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मिनिमम एक होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एक ही होगा, बट रिलेटिव मैक्सिमम कई सारे हो सकते हैं, तो इसका मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की एक और कंडीशन कि जरूरी नहीं है कि जो एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, मतलब जो भी फंक्शन डिफाइंड किया जो इंटरवल का, यहाँ पर देखो ओपन इंटरवल नहीं बोला है इसने, ठीक है, यहाँ पर इंटरवल क्लोज्ड है, ठीक है, जो अगर क्लोज इंटरवल हुआ तो उसके एंड पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है बिना उसके कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव हो वो जीरो हो, जरूरी नहीं है कि फंक्शन का डेरिवेटिव उन पॉइंट्स पर जीरो हो या डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, और इससे रिलेटेड आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम भी है, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और वो एक क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है तो मस्ट है कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दोनों ही होगी, रिलेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहां पर तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है एक क्लोज इंटरवल पर, ठीक है, एंड एफ इज कंटिन्यूअस then it must have maximum and minimum value, ठीक है, ध्यान रखिए मैंने यहां पर सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम ही कहा है, ठीक है, मैंने एब्सोल्यूट यहां से हटा दिया, तो अगर हम एब्सोल्यूट ना लिखें तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पर जैसे सिंपली मैंने मैक्सिमम लिखा,
तो आप ये समझ जाएंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात हो रही है, और अगर एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं लिखा तो सिर्फ मिनिमम लिखा तो समझेंगे कि एब्सोल्यूट मिनिमम की बात हो रही है, रिलेटिव में हम हमेशा लिखेंगे। ठीक है, तो अब इस थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो इस थ्योरम को करते हैं वेरीफाई, वेरीफाई द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि बताओ कि क्या ये जो एग्जाम्पल है वो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं, वेरीफाई करना है तो इसके लिए आप क्या करो, इसका ग्राफ बनाओ। सबसे पहला काम ग्राफ बनाओ। ये कह रहा है कि 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, और यहाँ देखना 2 इंक्लूडेड नहीं है। जो फंक्शन है वो है क्या है, 3x कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, 2 पर डिफाइंड नहीं है इसलिए यहाँ पर एक होल हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर 2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, सपोज करो ये 2 है 2 से लेकर 4 के बीच में, तो यहाँ से 2 से 4 के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब बताओ एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ने क्या कहा था कि जो फंक्शन है अगर वो एक क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है तो मैक्सिम उसका एक मैक्सिमा और मिनिमा होना ही होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू तो मुझे मिल गई इसकी 0, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल गई, क्या है वो 0 है। मैक्सिमम की बात करते हैं अब। अब मैक्सिमम के लिए आप बोलोगे कि यहाँ से तो उतना मतलब है नहीं मैक्सिमम, क्योंकि इससे सारी बड़ी वैल्यूज तो यहाँ पर हैं ही, तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम 2 की तरफ और मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए थी 6, बट 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं और यहाँ पर वैल्यू जो है क्या आ रही है 6, लेकिन ये वैल्यू 6 लेगा नहीं। अब आप कहोगे कि ठीक है 6 नहीं ले रहा है तो 5.9 हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं। मैं क्या कहूँगा कि आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, क्या हम 5.99 मैक्सिमम नहीं रख सकते, वो भी तो 6 से छोटी है। मैंने आप कहोगे हाँ बात तो ठीक है, बोला ठीक है यही मान लेते हैं। बोला नहीं ये भी नहीं मानेंगे हम, इससे भी बड़ी वैल्यू मानेंगे, बात तो मैक्सिमम की हो रही है ना, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, 6 से छोटा होगा बस, ठीक है, क्योंकि 6 पर तो डिफाइंड है ही नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, फिर ऐसे ही होता गया और हम ये देखने लगे कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल ही नहीं रही, यहाँ पर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, तो ऐसे केसेस में, वैसे तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में कि मैक्सिमम और मिनिमम होगा, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं यार ये तो मिनिमम तो मिल गया पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, क्या चक्कर है, इंटरवल भी क्लोज्ड है। तब बड़े ध्यान से देखो कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन एक क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड हो और उस इंटरवल पर कंटिन्यूअस भी हो, तभी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, क्लियर है। ऐसे ही एग्जांपल्स आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा हमें फाइंड करना है और साथ ही साथ रिलेटिव एक्सट्रीमा भी फाइंड करना है। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जब भी किसी फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल पर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है, हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू उसके एंड पॉइंट्स पर हो और एक मिनिमम वैल्यू उसके एंड पॉइंट पर हो। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें, एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये यहाँ तक, ठीक है, ये ए है और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, पहला केस मैंने इस तरह का लिया। अब आप देख रहे हो कि ये वैल्यू जो है मैक्सिमम है और ये वैल्यू जो है वो मिनिमम है। अब देखो हमने क्या कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट होगा तभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी,
जब बात हो एंड पॉइंट्स की तब। ठीक है, इस पर देख सकते हो, मान लो यहाँ पर कुछ स्लोप इस तरह का है, यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो नहीं है और एग्जिस्ट भी कर रहा है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का स्लोप है, डेरिवेटिव जीरो नहीं है फिर भी यहाँ पर क्या है, और डेरिवेटिव जीरो नहीं है एग्जिस्ट भी कर रहा है फिर भी यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब बात एंड पॉइंट्स की हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको क्रिटिकल नंबर पर ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आ रहा है मेरे माइंड में कि कुछ इसी से रिलेटेड, मैंने सपोज करो ये फंक्शन ड्रॉ किया, ठीक है, और ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए से बी पर। अब बताओ किस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ठीक से समझा, मेरी बात को ठीक से समझा होगा आपने, तो आप ये कहोगे कि सबसे पहली बात, ये फंक्शन डिफाइंड है, ये एक ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है। ठीक है, अब जैसे ही ओपन इंटरवल की बात आ गई, वही वाली बात कि आप डिसाइड करते जाओगे, उससे भी एक छोटा या उससे भी बड़ा नंबर आपको एक मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नेवर एंडिंग क्वेस्ट था, ठीक है, वैसे ही कंडीशन यहाँ होगी। ठीक, तो इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही, तो क्या ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने मतलब एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ने क्या कहा कि इंटरवल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब इंटरवल क्लोज है तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूस है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल, और ये किससे रिलेटेड है, इस थ्योरम से रिलेटेड है जो हमने अभी मतलब पहले पढ़ा था। कहाँ गए वो थ्योरम? क्रिटिकल नंबर थ्योरम। क्रिटिकल नंबर थ्योरम ने ये कहा कि अगर रिलेटिव एक्सट्रीमम है किसी पॉइंट पर, तो वो क्रिटिकल नंबर होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स नॉट पॉइंट है वो क्रिटिकल नंबर होगा। बट इसका कन्वर्स, कि अगर क्रिटिकल नंबर है तो क्या जरूरी है वहां पर जो आपका मतलब को मैक्सिमम या सॉरी, सपोज करो इसका जो इसकी जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो क्या है कि इफ एक्स नॉट इज क्रिटिकल नंबर देन एफ हैज रिलेटिव एक्सट्रीमम एट एक्स नॉट। इसका कन्वर्स है, इसने कहा कि अगर रिलेटिव एक्सट्रीमम है तो जो एक्स नॉट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल नंबर होगा। बट ये भी बात है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर जो मतलब वो उस पॉइंट पर रिलेटिव एक्सट्रीमम हो ही हो। क्या एग्जाम्पल है इसका, इसके दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो कुछ ये है, एक फंक्शन हम बनाते हैं कुछ इस तरह का। अब आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है वो क्या है, जीरो है। यहाँ पर जो आपका एफ डैश एक्स नॉट है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। बट ना ही यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है ना ही यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, इवन रिलेटिवली रिलेटिवली भी नहीं है यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस पूरे के पूरे इंटरवल में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एक तो ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल एक ये वाला ले लो। यहाँ पर ना ठीक से नहीं बन पाया, ये दूसरा एग्जाम्पल होगा कुछ इस तरह का। ये पॉइंट है, यहाँ पर डेरिवेटिव निकालोगे तो ये वर्टिकल टेंजेंट है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। डेरिवेटिव क्या आ रहा है यहाँ पर, नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। बट क्या इस बट क्या यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट है? नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप इसमें भी नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पर रिलेटिव एक्सट्रीमम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इस थ्योरम का जो कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। ठीक, कहने का मतलब कि अगर रिलेटिव एक्सट्रीमम है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर, तो
तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। और अगर हम ये कहें कि क्या हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर आपको रिलेटिव एक्सट्रीम मिलेगा, तो ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना है और यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। शो दीज वैल्यूज ऑन द ग्राफ ऑफ एफ, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहला काम, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि किन किन पॉइंट्स पर क्या है, किन किन पॉइंट्स पर रिलेटिव एक्सट्रीमम हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 4x³ माइनस में 16x0, यहाँ पर आ जाएगा 4x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस में 4। यहां से तीन पॉइंट्स आते हैं, x = 0 और प्लस माइनस में 2, ठीक है। इन पॉइंट्स पर जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो ये तीन पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान रखना आपको, अब आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यूज चेक करते हैं इन सारे के सारे पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले f(0) किसके इक्वल होगा, f(0) 5 के इक्वल होगा। फिर चेक करते हैं f(2), f(2) किसके इक्वल होगा, 2 16 माइनस, ये भी 16 ही हो जाएगा ना, मिनट, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ओ सॉरी 32 होगा, ये क्या होगा, 32 होगा। तो माइनस मतलब ये माइनस 11 होगा, और यहाँ पर एफ माइनस 2 पर भी यही माइनस 11 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ रही हैं कुछ इस तरह से, 2 माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एंड पॉइंट्स भी गिवन है। अब एंड पॉइंट्स पर आपने देखा कि यहाँ पर क्रिटिकल नंबर नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि इवन वहां पर क्रिटिकल नंबर ना हो तब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वहां पर हो सकती है। तो इसके लिए हमें चेक करना होता है इसमें वैल्यू पुट करके। तो हम क्या करेंगे, f3 पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। f3 और -3 दोनों की वैल्यू एक ही आएगी यहाँ पर, ठीक है। f3 यहाँ पर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 981, माइनस में 3 का स्क्वायर 972 प्लस में 5, तो ये क्या हो गया, 8 9 बचा, 9 प्लस 5 13। तो अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 13 आ रही है, जो कि हम पहले सोच रहे थे कि मे बी शायद 5 हो, क्योंकि ये दोनों तो स्मॉलेस्ट वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा में आपने ये देखा कि f(2) इज इक्वल टू f(-2) इक्वल टू -11, ये हो गया। फिर f(3) इज इक्वल टू f(-3), ये किसके इक्वल हो गया, 13 के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम। अच्छा f(0) क्या हुआ फिर, f(0) 5 के इक्वल है, ये हो गया रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम, क्लियर। अब कोई पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है उसके लिए और भी टेस्ट होते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब जो मतलब कर्व, जैसे रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज करो कि ये कर्व है कुछ इस तरह का और एक कुछ इस तरह का कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि अगर आपको मान लो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव निकाला इन दोनों पॉइंट्स पर, जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है वो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सॉरी टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, स्लोप 0 है। बट कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखते हैं
इस पॉइंट के आसपास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि देखोगे ये फंक्शन का स्लोप कुछ ऐसे था, फिर इस पॉइंट पर कुछ ऐसे आया, ठीक है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो अगर अगर डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये वाला पॉइंट अक्सर क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्लोप है वो बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव से ज़ीरो फिर देन पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है, डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव होता है, और उस केस में ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ये हो गया, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्लियर हो गया ना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, देखना है कि जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर कौन कौन से रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा है, हो सकता है वहाँ पर भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिल जाए, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव एक्सट्रीमम तो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक्सट्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा, अगर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो मे भी हो सकता है, ठीक है। और फिर एंड पॉइंट्स पर भी देख लेना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हो वहीं पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस अनक्लोज्ड इंटरवल -1, 1, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस भी है और क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही मिलेगी, वही केस यहाँ पर था एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ने हमें जो बताया था, ठीक है। ये भी कंटिन्यूस है और क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही मिल गई, यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। करते हैं इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा, क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, भाई आज तो ये कर रहा है दुखी। देखो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10, एक्स की पावर में 2/3 ही रहेगा, माइनस में 6, एक्स की पावर में 2/3 +1 क्या होगा, 5/3, ठीक है। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 20/3 एक्स -1/3 माइनस में 30/3 2/3 पावर 2/3। इतना कुछ हेल्पफुल नहीं मिली ये फॉर्म हमें, चलो मान लो ये जीरो के इक्वल है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे इसे तो 20/3 इक्वल टू 10/2/3 यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ रही है 2/3, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपके पास 2/3, तो यही आपको एक यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब आप क्या करना, पुट करके देखना f ऑफ 2/3 क्या आ रहा है, फिर जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उन पर भी आप वैल्यूज चेक करना, फिर देखना इसमें से कि कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है, तो आपको वहां से एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी कुछ यहां पर बता दिया गया है आपको, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, और जो भी प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं वो आप खुद भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं है बताने के लिए इसमें आई थिंक, ठीक है। और कुछ जो मैंने आपको बताए पॉइंट्स उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे इसके लिए आप एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पर f(x) = x³, ठीक है। यहाँ पर आप अप्लाई करके देखना,
आपको एफ ज़ीरो पर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो मिलेगा, बट वहाँ पर ना ही मिनिमम या ना ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो इस केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरह का अगर कोई ग्राफ होता है इस पर, ठीक है ना, तो थ्योरम वन है, थ्योरम वन का कन्वर्ज जो है हमेशा ट्रू नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ।